यू हैव अनदर बार एरिया ओवर हेयर? प्ले स्टेशन ऑन द हाउस? डाइनिंग एरिया, योर किचन, योर फ्रिज? लवली बार एरिया, आज तो पार्टी होगी। गुड मॉर्निंग एवरी वन, और स्वागत है आपका नए व्लॉग में। काफ़ी टाइम बाद ये नया व्लॉग आ रहा है क्योंकि हमें घूमने का मौका ही नहीं मिल रहा था। एट लास्ट हम निकल चुके हैं, कहीं जा रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं थोड़ी देर में बताएंगे, बट एवरी वन थैंक यू सो मच फॉर रियली वेटिंग फॉर दिस व्लॉग। बहुत टाइम हो गया था मेरे दोस्तों, मेरे भाई और मेरे मित्रों को, मित्रों नहीं बोलना, मित्रों तो कॉपी राइट है किसी और का, को इस व्लॉग के बारे में। तो अब हम जा रहे हैं पहाड़ों में, वी आर गोइंग टूवर्ड्स हिमाचल, मी, माई भाई रुचिका, मेरी बहन प्रिया एंड मेरी बहन गरिमा। बस हम पिक कर रहे हैं, निकलना तो सुबह 5 बजे था पर 6:30 बज गए हैं, हम रेडी नहीं होते। वी आर नॉट मॉर्निंग पर्सन एट ऑल। कितनी देर और? 5 मिनट। और हम पहुंच चुके हैं कुलचंद का ढाबा, ध्यान चिंतन होते हुए कि क्या खाना है। आलू के परांठे, गोभी के परांठे, मिक्स परांठे। खुशखबरी की बात तो ये है कि दिल्ली से सोनीपत तक सारे फ्लाईओवर बन चुके हैं और नो बॉटलनेक्स। तो इफ इन केस यू आर लिविंग इन दिल्ली एनसीआर एंड वर अवॉइडिंग NH1 नेशनल हाईवे 1, यू कैन कम एंड विजिट। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है, थोड़ी ऑफ रोडिंग हो गई है, ज़्यादा हाइट पे नहीं है बट ऐसी ऑफ रोडिंग करने का मौका मिलेगा ये पता नहीं था। वी आर जस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम आर रिजॉर्ट और काफ़ी घना जंगल है, चीड़ के पत्ते, पाइन ट्रीज। मैंने फोन तो उठा लिया वीडियो बनाने के लिए बट मैप्स कौन देखेगा। यू रीच्ड है? वी हैव रीच्ड कहाँ? शुड आई स्टॉप? ज़ेंडन नाम की प्रॉपर्टी है हमारी, इसका एक मात्र बोर्ड नहीं लगा हुआ, एक जंगल लॉज का रिजॉर्ट का तो बोर्ड लगा हुआ है। कि जेंडर वाले भी लगा देते तो कुछ ऐसी ऑफ रोडिंग, थोड़ी लेस ऑफ रोडिंग देन द वाइल्ड ओरा। वो तो हां, वो तो वहां तो सड़क ही बहुत पतली थी, वाइल्ड ओरा से तो गाड़ी ऊपर कैसे आएगी, दैट ओनली द ड्राइवर नोस, इट्स अ मिस्ट्री स्टिल। वीडियो नीचे की हमारा कौन सा, हां और काफी ढलान है। ओए होए भाई, यहाँ से रात को पी के तो नहीं आ पाएंगे। नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अरे बिल्कुल ठीक है, और हम आखिरकार पहुंचते हुए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। गाड़ी हरी पार्क करते हैं, चेक इन करते हैं और फिर आपको बताएंगे क्या सीन है ये। और हम अपनी प्रॉपर्टी पहुंचते हुए
घुसते ही लिफ्ट से निकले और ये एंट्रेंस है हमारी, वी हैव अ गुड वेरी गुड बालकनी एंड दिस इज द लिविंग एरिया विद अटैच्ड बालकनी, यू कैन हैव अ गुड टाइम, सम ग्रेट बार एरिया, यू हैव अनदर बार एरिया ओवर हियर, प्ले स्टेशन ऑन द हाउस, डाइनिंग एरिया, योर किचन, योर फ्रिज, लवली बार एरिया। आज तो पार्टी होगी, अब 3 दिन पार्टी है वैसे। पहला बेडरूम विच इज प्रेटी गुड, काफी नीट इंटीरियर है यार, नाइस। एंड हमारी पार्टी अंदर बालकनी एक्सप्लोर करते हुए, एंड दिस इज द सेकेंड बेडरूम विद द मैग्निफिकेंट व्यू। पता नहीं भाई अंग्रेज चले गए, अक्सर होता है लंबी ट्रिप के बाद ऐसा। तो ओवरऑल बहुत शानदार प्रॉपर्टी मिली है हमें, मैं डिटेल्स इसकी छोड़ूंगा। इसका नाम है जैन डैन धर्मपुर में। आई विल ऑल्सो गिव यू द नंबर ऑफ द ओनर सो दैट यू कैन गेट अ वेरी चीप डील लाइक वी गॉट एंड डू नॉट पे एक्स्ट्रा टैक्सेस ऑन एयरबीएनबी। आज तो चंद्रमा। तो हम रेडी हो गए थे, रेडी क्या होते हैं, फ्रेश फ्रेश हो गए चेकिंग करने के बाद, और यहाँ हमें GTA 5 मिल गई है प्ले स्टेशन में। तो बस हम गेमिंग कर रहे हैं और लंच ऑर्डर कर दिया है, भूख लग रही है बहुत, खाया नहीं है यार। थोड़ी देर गेमिंग करेंगे, खाएंगे पियेंगे और शाम को शायद घूमने निकलेंगे कुछ। सनसेट का टाइम हो रहा है और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, ग्रीनरी ऑल अराउंड। और रुचिका कुछ पेंटिंग करने वाली है, अमेजिंग लाइव पेंटिंग, ये सब। वी हैव सम वाटर कलर्स, सम ब्लैंक कैनवस एंड सम अमेजिंग व्यू। चीड़ी के पत्ते बना रहे हैं हम, पाइन ट्रीज। आई डोंट नो, आई ट्राई। ब्रशेस निकल चुके हैं, याकी साथ बैठा है हमारे रुचिका के। रुचिका याक, इस एनिमल का नाम क्या है, याक। चलो अब देखते हैं क्या बनता है, शुरू करें, ग्रीन कलर से शुरू करना है प्लीज। ये रहा, मिक्सिंग नहीं करनी यार, उल्टियाँ आ जाएगी। अंदर का मॉल चेक करते हैं, मेरी बहन और लैपटॉप, जन्म जन्मों के साथी प्रिय, जस्ट चिलिंग। बाहर पे कुछ सज चुका है, बहुत ही बढ़िया, और अब थोड़ी चिलैक्स होगा और गेमिंग होगी फिर से।